नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएनआई न्यूज। जीएनआई न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपेक्षा यादव। प्रतापगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, आइए देखते हैं खबर को विस्तार से। चुनाव आयोग की बड़ी लापरवाही से वोट करने से वंचित रह गए लगभग 400 लोग। बीडीसी प्रत्याशी का नहीं आया बैलेट पेपर पर चुनाव निशान। मामला ससरी खाम पोलिंग बूथ का है। प्राप्त सूचना के अनुसार ससरी खाम गांव में बीडीसी के प्रत्याशी थे राधा पत्नी संतलाल, जिनका चुनाव निशान ईट था, जो बैलेट पेपर पर पांचवें नंबर पर था। 11 बजे तक सब ठीक ठाक चल रहा था, परंतु 11 बजे के बाद मतदाताओं को जो बैलेट पेपर मिलना शुरू हुआ उसमें चुनाव निशान सिर्फ 4 ही था। बात धीरे धीरे जंगल की आग की तरफ फैलने लगी कि एक निशान ही नहीं है, आखिर राधा समर्थक वोट किसको करेंगे। इसकी शिकायत जब पीठासीन अधिकारी से की गई तो अधिकारी ने आश्वासन दिया कि बैलेट पेपर मंगवाया जा रहा है, लोग बैलेट पेपर आने की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन कोई बैलेट पेपर नहीं आया। वोट पाना असंभव था। 4 बजे तक बैलेट पेपर नहीं आया तो प्रत्याशियों ने और मतदाताओं ने विरोध किया, प्रशासन के बल पर प्रयोग करके लोगों को भगा दिया और मत पेटी को सील करके ले जाने लगे। बूथ एजेंटों ने विरोध किया कि मतदान सही नहीं हुआ है, अभी 400 के लगभग लोगों ने मतदान नहीं कर पाए हैं। आइए देखते हैं प्रतापगढ़ से मंडल प्रभारी अब्दुल लतीफ की एक खास रिपोर्ट। सच वही जो जीएनआई न्यूज दिखाए। सर से खान की, आपके यहाँ एक प्रत्याशी का चुनाव निशान नहीं आया है? जी जी जी, वो ईट निशान है जो पप्पू सरोज है जी, इनके कारण जो है 2:30 बजे से 3 बजे तक पेपर नहीं था। हाँ। तो ये फैक्स इन्होंने मतलब सेक्टर मजिस्ट्रेट को कहा, एसडीएम को कहा, उन्होंने कहा 5 मिनट से 15 मिनट तक हम पेपर अवगत करा रहे हैं, चुनाव को चलने दीजिए। हाँ। अब पेपर जो है 3 घंटे तक नहीं आया, वोटर जितने थे परेशान होकर उन्होंने बंद कर दिया वोट। कहीं पर शिकायत की गई है? बिल्कुल, सेक्टर मजिस्ट्रेट एसडीएम को बार बार फोन किए गए, फोन नहीं रिसीव किए। क्या चाहते हैं आप लोग? चाहते हैं कि पुनः रिपोल कराया जाए, सही ढंग से वोटिंग होती नहीं, जिला पंचायत ग्राम प्रधान और बीडीसी को जी जी, क्योंकि सब लोग आप लोग क्या समस्या है आप लोगों की? हमारे यहाँ पुनः मतदान हो, इसी के मतलब हमारे यहाँ 19 तारीख को मतदान था, जिसमें जो है बीडीसी प्रत्याशी 5 थे, 4 ही सिंबल आया। 4 सिंबल के चक्कर में जो है 3 बजे मतदान जो है स्थगित करा दिया गया। हम लोग सोचते स्थगित हुआ बीडीसी के चक्कर में ग्राम पंचायत प्रधान और जिला पंचायत तो सदस्य का, जिससे जो है लमसम जो है 700-800 लोग जो है हमारे ग्राम सभा सरसी खाम के लोग जो है मतदान नहीं कर पाए हैं। हम लोग चाहते हैं कि जो है ये मतदान अगर बीडीसी का जो है हो रहा है तो उसके साथ में ग्राम पंचायत प्रधान जिला पंचायत सदस्य पुनः मतदान कराया जाए। क्यों? क्योंकि जो है बीडीसी का जो है 4 ही सिंबल आया है, 5 प्रत्याशी हैं। क्या सारे लोग वोट दे चुके हैं? नहीं, पूरे पूरा जो है वोट नहीं पड़ा है। लगभग कितना वोट पड़ा? नहीं वोट लगभग 1100 वोट पड़ा है, और जो कि पढ़ना चाहिए जो है 1800 मतदान यहाँ पर पढ़ना चाहिए, वोटर है 2500 वोटर है, 1800 से 1900 के बीच में जो है मतदान पढ़ना चाहिए। कौन कौन मतदान नहीं दे पाए? कितने लोग हैं यहाँ जो है? हम लोग मतदान नहीं दे पाए हैं, उंगली दे सकते हैं आप लोग, हम लोग मतदान नहीं दे पाए हैं। अगर ये मतदान जो है नहीं होता है तो हम लोग लोकसभा और विधानसभा की मतदान का बहिष्कार करेंगे। कहीं करोगे कि नहीं करोगे? जबरदस्ती शिकायत अभी तक कहीं? हम लोग जो है जिला अधिकारी को भी दे चुके हैं, चुनाव आयुक्त को भी दे चुके हैं, मुख्यमंत्री को भी कर चुके हैं, उसके बाद अगर जो है मतदान नहीं होता है तो हम लोग जो है आमरण अनशन करने के लिए तैयार है। सोशल मीडिया के बाद चौथे चरण में मतदान होना आवश्यक है। आप प्रत्याशी हैं जिला पंचायत सदस्य की, आपका क्या कहना है? हम यही चाहते हैं कि मतलब वोटर फिर से पड़े जिला पंचायत बीडीसी और प्रधानी का। जिला पंचायत प्रत्याशी हम भाजपा समर्थित हैं। हाँ, भाजपा समर्थित हैं। क्या नाम है आपका? नीलम गुप्ता। नीलम गुप्ता जी, तो सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग क्या मांग करते हैं? हम मीडिया वोट फिर से वोट मतदान फिर से हो पूरा फिर से मतदान, यानी जो 19 तारीख को मतदान हुआ इससे आप लोग संतुष्ट नहीं है? संतुष्ट नहीं है। तो इसमें बताइए, आप लोगों ने शिकायत की है अधिकारियों से, तो अधिकारियों ने कुछ आश्वासन दिया आप लोगों को? नहीं दिए हैं अभी तक। अभी तक कहाँ कहाँ शिकायत दे चुके हैं?
जिला अधिकारी के मतलब और सब मतलब चुनाव चुनाव आयोग के पूरा दे चुके हैं, मुख्यमंत्री तक पहुँचा है, लेकिन कोई अभी सूचना नहीं है। और दूसरे बस जी आप वोट दिए हैं? जी नहीं, हम नहीं दे पाए। क्यों नहीं दे पाए? जी नहीं, क्यों नहीं दे पाए? बीडीसी का जो है चार ही सिंबल आया था, पांचवा ईंट जो है वो चिन्ह नहीं था, उसके चक्कर में जो है बलवा हो गया, ठीक है, मतदान जो है स्थगित कर दिया गया, मुरक्षा सील हो गया 3 बजे, सिंह बोले कि चले जाओ मतदान नहीं, गेट बंद कर दिया गया। अच्छा, बक्सा सील होते समय आपके जो एजेंट थे या प्रत्याशी थे उन सबसे हस्ताक्षर कराया गया है कि नहीं? नहीं, बाहर जो है लेके चले, पुलिस बल द्वारा बोले आप बाहर चले गए, पहले से वहां भागा। आपका क्या नाम? मेरा नाम करण चंद। वोट दे? नहीं, वोट नहीं दिया हूँ, 3 बजे से लाइन लगाया हूँ, लेकिन क्या कहते हैं पहुँचने के बाद ये लोग बंद कर दिए, पहुँची बोलते करते ही नहीं, जब पर्चे नहीं तो कहाँ से देंगे, यानी कि पूरा यानी कि बीडीसी का पर्चा नहीं था, हाँ, तो उसके कारण पूरा चुनाव बंद कर दिए गए 3 बजे। आपका क्या नाम? मेरा नाम बंसराज सरोज, ग्राम प्रधान शशिकांत। मैं चुनाव हो रहा था, मैं वहाँ मौजूद था, चौथा पांचवा निशान ना होने के कारण मैंने पीटर सिंह अधिकारी से बात किया, पर पीटर सिंह अधिकारी ने कहा कि थोड़ी देर में सिंबल आ रहा है, हमने शांतिपूर्वक बैठे रहे, उसके बाद लाइन लगी रही आधा घंटा बाद, ये सो आए कधे के कधे दो समझा कर चले गए, फिर उसके बाद 10 ही मिनट बाद पीटर सिंह अधिकारी बाहर आए, मेरे पास वीडियो है, वीडियो उनका है, उन्होंने कहा कि चुनाव हो गया, आप सब घर जा सकते हैं और गेट का ताला बंद कर दिए। कितने और लगभग कितने? 3:30 बजे 4:30 बजे। उसके बाद बाक्साले जो मतदान पेटी थी लेके चले गए, मतदान पेटी उनके जो सिपाही थे मतदान कराने आए थे, लोग बाग को गाली देते हुए खेल दिए और बोले बक्सा सील किए, और क्या कहते बक्सा में ना हमारा एजेंट था ना प्रत्याशी थे वहाँ पे, वो अपने आप बक्सा लेके चले गए। अच्छा, आपको ये तो बताए होंगे कितना वोट पड़ा है? सर वो बोल रहे थे लमसम इतना पड़ा है, लगभग लगभग नहीं, फिक्स कोई आंकड़ा नहीं बताया, कोई आंकड़ा नहीं है बताया, लगभग में तीनों बूथों को हमने कहा लिख के दिए, मुझे लिख के दिए, हमने कहा श्रीमान जी बता दीजिए कितना वोट पड़ा है, उन्होंने कहा लिख के दे रहा हूँ, तीनों बूथों का लिख के दिए हैं, कितना लगभग, इतना लगभग, लगभग क्या होता है, एग्जैक्ट पोल बताए कितना पड़ा है, इसके लिए चैलेंज करने के लिए मैं हाई कोर्ट भी पहुंच गया हूं।